झारखंड में दूसरे चरण के लिए चुनावी जो शोर है वो 18 नवंबर को थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा और शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशियों को प्रचार की अनुमति नहीं होगी। हाँ, प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन जरूर कर सकेंगे। दूसरे चरण में राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब निर्वाचन आयोग जो है वो तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर रही हैं। सोमवार 5 बजे के बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर प्रत्याशी जो है वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह के मैसेज प्रसारित करने की छूट नहीं होगी, कोई भी चुनाव से संबंधित अपील करने की छूट नहीं होगी, सिर्फ वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। और मुख्य रूप से देखिए, चुनाव आयोग दूसरे चरण के मतदान के लिए भी अपनी तमाम तैयारियों को पूरी कर रहा है। दूसरे चरण में राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नीरज, दूसरे चरण के लिए कल यानी कि 18 नवंबर को चुनावी प्रचार जो है वो थम जाएगा, उसके बाद नीरज सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति होगी, किसी भी तरह का चुनावी संदेश या मैसेज प्रसारित करने की अपील किसी को भी नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं प्रत्याशियों के लिए और वोटर्स को लुभाने के लिए अपने पक्ष में, क्योंकि कल शाम 5 बजे जो प्रचार प्रसार का शोर है वो थम जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर ही कैंपेन कर पाएंगे, तो उसके लिए काफी मेहनत पहले से किया जा रहा है। जगह जगह रैलियां आयोजित की जा रही है, साथ ही कह सकते हैं तो रोड शो किया जा रहा है और अधिक से अधिक जो है बाहर से यानी कि नेता जो है वो बाहर से पहुंच रहे हैं उन प्रत्याशियों के समर्थन में, और जगह जगह पर आप देख रहे होंगे किस तरह से समर्थन के लिए जो है लगातार इस तरह के एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अभी अगर बात करें तो 38 ऐसे सीट हैं जिस पर 20 तारीख को वोट डाले जाने हैं और 38 में से बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिनमें कई दिग्गज जो है मैदान में हैं और उसके लिए उन दिग्गजों की भी मेहनत सामने आ रही है। उन दिग्गज भी जो है मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना दमखम झोंकते हुए नजर आ रहे हैं ताकि 20 तारीख को जब वोटिंग हो तो अधिक से अधिक उनके पक्ष में वोट जाए और 28 तारीख को रिजल्ट में जो आएगा उसमें वो चीज सामने आए। तो देखिए पूरा दमखम झोंका जा रहा है क्योंकि फर्स्ट फेज में बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपने दमखम को आजमाया था और समर्थन में कई जगह पर रैली आयोजित की गई थी, लेकिन सेकेंड फेज में क्योंकि सीटों की संख्या कम है और फर्स्ट फेज में जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र से मैदान में थे अब वो भी सेकेंड फेज में उन प्रत्याशियों के क्षेत्र में पहुंचकर मेहनत कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक सीट जो है वो जीत सके जितने भी राजनीतिक दलों के जो नेता है। तो कोशिश पूरी की जा रही है और आज और कल का जो दिन रहने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज और कल के दिन में देखिएगा बहुत सारी रैलियां आयोजित करते हुए जो प्रत्याशी है वो नजर आएंगे, बहुत सारे जो नेता है वो आपको नजर आएंगे। तो कह सकते हैं आज और कल की जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है 38 जो सीट है उनके प्रत्याशियों के लिए। देखने वाली बात होगी कि इन दो दिनों में कितना दमखम कितना प्रचार प्रसार वो प्रत्याशी कर पाते हैं और उसके बाद 20 तारीख को उन प्रत्याशियों के हक में कितना वोटिंग होता है। नवीन, चलिए तो दो दिनों का वक्त अब बाकी रह गया है, पूरा दमखम दोनों ही ओर से दिखाया जा रहा है, चाहे एनडीए की बात करें या इंडिया ब्लॉक की बात करें, दोनों ही ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 20 नवंबर को राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स ग्रेनाइट सेनेटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक हूर मोड डाल्टनगंज शाहपुर रोड गढ़वा झारखंड शर्ते लागू।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।